नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। निर्भया के गुनहगारों का फांसी का समय नजदीक आने के साथ ही अपराधियों को फांसी देने वाले जल्लाद का जिक्र भी खूब चल रहा है। मेरठ के जल्लाद पवन भी इन अपराधियों के वहशीपन को लेकर गुस्से में है। लेकिन ये जल्लाद शब्द आया कैसे? हालांकि ये भी सही है कि जल्लाद शब्द बोलचाल में किसी को बहुत अधिक क्रूर बताने के अर्थ में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी मन में सवाल आता ही रहता है कि जल्लाद शब्द कैसे बना, कहां से आया। बातचीत में मुहावरे के तौर पर जल्लाद शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो हृदयहीन होते हैं, भावनाओं का जिन पर असर नहीं होता, जिनके अंदर दया ममता नहीं होती। वैसे किसी व्यक्ति को फांसी दे पाना बिना कठोर भावनाओं के संभव नहीं है। जल्लाद अरबी मूल का शब्द है। इसका अर्थ ऐसे आदमी से है जो अपराधियों को कोड़े मारता है या उन्हें दी गई मौत की सजा की तामिल करता है। इस शब्द में महत्व बांधने से है, इसीलिए किताबों को बांध कर रखने वाले को जिल्द कहा जाता है। उनका मानना है कि बांधने के कारण ही मृत्यु दंड को अंजाम देने वाले को जल्लाद कहा गया। वो ये भी कहते हैं कि किताबों पर जिल्द चढ़ाने वाले को भी फारसी में जल्लाद कहा जाता है, क्योंकि फांसी लगाने वाला भी गांठ लगाकर ही अपना काम पूरा करता है। यही वजह है कि उसे जल्लाद कहा जाता है। कोड़े मारने और सजा देने में समानता है। इसके अलावा मौत की सजा को भारत में लागू करने के लिए जिस तरह से फांसी लगानी होती है, उसमें गांठ भी लगाने का काम उसी व्यक्ति के जिम्मे होता है। इस लिहाज से भी जल्लाद शब्द की उत्पत्ति अरबी से माननी चाहिए। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य में वाधिक का जिक्र आता है। माना जाता है कि पहले के समय में दंड देने के लिए तलवार से काट दिया जाता था, उसे वध कहा जाता रहा। लेकिन आधुनिक भारत में मृत्यु दंड देने के लिए काटा नहीं जाता, बल्कि गांठ या कहा जाए फांसी लगाई जाती है। लिहाजा इसे लागू करने वाले व्यक्ति को जल्लाद कहा गया, क्योंकि किसी को मौत की सजा लागू कर पाना कठोर दिल वाले और भावनाओं से ऊपर हो चुके आदमी की बूते की बात है। इसी कारण जल्लाद शब्द एक मुहावरे के तौर पर भी बातचीत में इस्तेमाल किया जाने लगा।